डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1st नाउन की एक्सरसाइज सी एंड डी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सी स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है उसकी सहायता से नाउन बनाकर जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है उसमें हमने फिल करना है। देयर इज ए वैकेंसी फॉर ए प्रोफेसर एट दिस इंस्टीट्यूशन। वैकेंट का वैकेंसी हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया। इस संस्थान में एक प्रोफेसर के लिए रिक्त स्थान है। Only fools are turned by flattering। केवल मूर्ख चापलूसी से बदलते हैं। फ्लैटर का क्या हो गया? फ्लैटरी। We have only this choice। हमारे पास केवल यही विकल्प है। चूज से बना choice। Raghavan was famous फॉर हिज क्रूलिटी। राघवन अपनी निर्दयता के लिए प्रसिद्ध था। क्रूल का बन गया क्रूलिटी। ही इग्नोर्ड हिज फादर्स एडवाइस। उसने अपने पिताजी की सलाह को नज़रअंदाज किया। एडवाइज का बन गया एडवाइस। वी वेंट टू द जू फॉर आवर एंटरटेनमेंट। हमें अपने मनोरंजन के लिए चिड़ियाघर गए। ब्रैकेट में दिया था एंटरटेन, एंटरटेन का हो गया एंटरटेनमेंट। सेवन्थ, द साइन इन द शॉप स्टेटेड बायर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ब्रेकेज। ब्रैकेट में दिया था ब्रेक, इसका हो गया ब्रेकेज। दुकान में लिखा हुआ था खरीदार किसी भी टूट फूट के लिए जिम्मेदार हैं। एट्थ, हिज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस प्रोवाइडेड वैल्यूएबल टिप्स टू द टीम। इसमें दिया था ऑब्जर्व, इसका हो गया ऑब्जर्वेशन। हिज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस प्रोवाइडेड वैल्यूएबल टिप्स टू द टीम। अभ्यास के दौरान, प्रैक्टिस ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, अभ्यास के दौरान उनके अवलोकन ने टीम को महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए। टिप्स हुआ यहाँ सुझाव, और वैल्यूएबल बहुमूल्य कह सकते हैं सही इसको, बहुमूल्य सुझाव दिए। डी एक्सरसाइज, Identify and write the case of a italicized noun in the following sentence। नीचे दिए गए सेंटेंस में जो कलर्ड वर्ड है ये हमने बताना है कि ये कौन सा नाउन है। रवि शंकर प्लेज द सितार। रवि शंकर सितार बजाते हैं। इसमें जो रवि शंकर है ये नॉमिनेटिव केस है। दे वर्कड फॉर मंथ्स टुगेदर। उन्होंने महीनों तक इकट्ठे काम किया। इसमें जो दे है ये कलर्ड वर्ड है, ये नॉमिनेटिव है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें दिल्ली जो कलर वर्ड है ये नॉमिनेटिव है। दिस बुक इज माइन। यह पुस्तक मेरी है। इसमें पॉजिटिव केस है। अक्षय कुमार डायरेक्टेड द फिल्म। अक्षय कुमार ने फिल्म का निर्देशन किया। नॉमिनेटिव। द डॉक्टर गेव इंजेक्शन टू द सोल्जर। डॉक्टर ने सिपाही को इंजेक्शन दिया। ऑब्जेक्टिव केस। द गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। नॉमिनेटिव। आमिर खान से थ्री इडियट्स रिसीव्ड सेवरल प्राइजेज।
आमिर खान की थ्री इडियट ने कई इनाम जीते, यह है पॉजिटिव। और इसी के साथ हमारी डी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। ई और एफ एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।